हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो गाइज, जैसे कि मैं डेलॉयट की एंड अदर हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि टेक्निकल आपके जॉब्स होने वाली है, काफ़ी अमेजिंग हायरिंग ड्राइव्स हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो डेलॉयट करेंटली हायरिंग फॉर बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, एंड इसका जो जॉब लोकेशन आपका होने वाला है वो है हैदराबाद। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आपका बीटीए का क्राइटेरिया इस बार का है वो क्या है। क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स आप देख सकते हैं, बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन। सो यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री। अगर आपका आपके पास रिलेटेड ब्रांच की बैचलर डिग्री है तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड एनी नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डॉट नेट और एसक्यूएल। सो बेसिकली अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है डॉट नेट की एंड आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एसक्यूएल की नॉलेज है तो यू कैन अप्लाई। सो आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए एंड एनी नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस प्रोड्यूस टेक्निकल डिजाइन एंड टेस्टिंग, एनी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स फॉर वेब एप्लीकेशन, एंड यू शुड हैव नॉलेज इन MS Excel, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एटसेट्रा। सो आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होना चाहिए एंड आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। एंड हियर ड्यू टू 1 year एक्सपीरियंस ओनली। ओके, सो यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 year एक्सपीरियंस। एंड वर्क लोकेशन आपके यहाँ पे होने वाला है हैदराबाद। ओके, सो गाइज, इफ यू हैव रिलेटेड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस जॉब। सो काफी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि इनका बीटीए का कब हायरिंग है, तो इस वाली आप हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इसमें रेफरेंस भी ले सकते हैं इसकी जॉब आईडी के थ्रू किसी भी डेलॉयट एम्प्लॉय से। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम नॉर्टन लाइफ लॉक। दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है चेन्नई एंड ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम इसकी क्राइटेरिया के बारे में देखें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पे BS, MS इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। सो इफ़ यू हैव BS और MS डिग्री देन यू कैन अप्लाई। एंड ड्यू टू 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस बेसिकली सर्विस फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म। सो इफ यू आर फ्रेशर, लाइक इफ यू हैव 0 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, एंड इफ यू हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड एक्सपीरियंस विथ वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट एंड कॉटलिन। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का है, सी शार्प का है, सी प्लस प्लस का है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की आपको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एडवांस लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा फ्रेमवर्क की भी आपको नॉलेज होना चाहिए विथ मॉडर्न वेब UI, React JS समथिंग। आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेमवर्क्स एंड अगर आपको अदर टेक्निकल स्किल्स की यहाँ पे नॉलेज है तो आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है। जॉब लोकेशन आपके होने वाली है चेन्नई, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाटा। सो टाटा इंटरनेशनल करेंटली हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपका वर्क होगा आफ्टर ज्वाइनिंग। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं जो स्किल्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जी 235 डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकिल मेकिंग इंडस्ट्री, एक्वायर बिजनेस एक्यूम एंड लर्न द TIL मेथड ऑफ वर्किंग एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटजी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द फैक्ट्री यूनिट। सो यहाँ पे आपको सारी स्किल्स मेंशनड हैं। इफ यू हैव दीज स्किल्स देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस जॉब। नाउ टॉकिंग अबाउट दी हायरिंग अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम फ्लेक्स। दे आर हायरिंग फॉर एनालिस्ट GBS प्लानिंग एंड दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे होने वाली है चेन्नई। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं एजुकेशन बैचलर्स डिग्री और इंजीनियरिंग डिग्री। आपके पास यहाँ पे अगर बैचलर्स डिग्री है वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस है 0 to 3 years प्लानिंग सप्लाई चेन परचेसिंग प्लानिंग एंड सप्लाई चेन। अगर मतलब रिलेटेड जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो आपका सप्लाई चेन परचेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। अदर स्किल्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा MS Office की नॉलेज होना चाहिए एंड प्रोसेस नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट प्लानिंग एंड कंप्लीट प्लानिंग साइकिल इंक्लूडिंग MPS, MRP, डिमांड प्लानिंग, मटेरियल्स प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग। ओके, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 हायरिंग ड्राइव्स विच इज फ्रॉम डेलॉयट, दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टाटा एंड दिस हायरिंग फ्लेक्स। सो इफ़ यू हैव रिलेटेड डिग्री और क्वालिफिकेशन फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, सो अपनी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी हायरिंग ड्राइव्स के बारे में डिस्कस आपके साथ करते रहेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।